वेलकम बैक फ्रेंड्स, वीपीएन गार्डनिंग एंड टूरिज्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये मेरे जेड प्लांट है और दोस्तों मैं आज इनकी प्रूनिंग करने वाला हूँ और आपको बताऊँगा कि इनके पैड आप भरे हुए कैसे बनाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, ये मेरा एक अंडर ट्रेनिंग जेड प्लांट है और इसको लगभग कटिंग से ग्रो किए हुए 2.5 से 3 साल हो रहे हैं। हर साल मैं इसकी प्रूनिंग करता हूँ और देखिए दोस्तों, इसको वायरिंग भी की हुई है। तो आज मैं इसकी प्रूनिंग करने वाला हूँ और वो तरीका बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप इसके पैड पूरे हैवी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसकी प्रूनिंग स्टार्ट। दोस्तों, इस पैड पे ये टहनी देखिए आप ऊपर जा रही है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसको कट कर देता हूँ और उसके बाद जिस साइज़ का आप पैड बनाना चाहते हैं उसी साइज़ के अंदर की ब्रांचें आप रखें। उस साइज़ से बाहर जो भी ब्रांच जा रही है उनको सबको आपको कट कर देना है। दोस्तों, ये एक सामने का पैड है जिसको मैं अभी ट्रिम करूंगा। इसकी जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसको सबको मैं हटाने वाला हूं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है इन सबको हमें कट कर देना है। हम एक जगह से कट करेंगे तो दोस्तों वहां से दो ब्रांचें स्टार्ट होगी। दोस्तों, जो टहनी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है उसे तने के बिल्कुल पास में से 2 या 4 पत्ते छोड़ के उसके ऊपर से कट करना है। दोस्तों, मैं इसकी कटिंग करता रहता हूं और साथ साथ में आपको जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताता रहूंगा। दोस्तों, मेन तने पे जितने भी नई ग्रोथ हो, जितने भी सकर्स निकले, उन्हें हमें समय समय पे रिमूव करता रहना चाहिए ताकि जो हमारे तने की थिकनेस है वो बढ़ती रहे। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी सकर्स यहाँ निकले हुए हैं तो मैं इनको कट कर देता हूँ। दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। ये आप सामने ब्रांच देख रहे हैं, देखिए तने के ऊपर मैं 4 पत्ते छोड़ के इसको कट कर रहा हूँ। 4 पत्ते छोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से अभी 2 ब्रांचें और निकलेगी। एक ब्रांच से 2 बनेंगी, 2 से हमें 4 बनाना है, 4 से 8। इस हिसाब से हम इसकी कटिंग करते रहते हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचें हमारे इस पैड में बनेंगी। एक ये ब्रांच दोस्तों ऊपर जा रही है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको यहाँ से कट कर रहा हूँ। और इसके साइड में जो सकर्स दिख रहे हैं दोस्तों, इस ब्रांच पे इन्हें भी हमें रिमूव करना है। दोस्तों, इस पैड की ये कुछ ब्रांचें नीचे जा रही हैं, इन्हें भी हमें आगे से कट करना है तो मैं इनको कट कर देता हूँ। दोस्तों, हमें प्लांट के चारों तरफ से घुमा के देखना है। जैसे ये ऊपर से नज़र आ रही है परंतु साइड में से नज़र नहीं आ रही थी, ये ब्रांच बाहर जा रही है, तो ऐसी ब्रांचों को भी हमें कट करना है जिसके कारण हमारा जो पैड है वो एकदम गोल बनेगा। दोस्तों, इस प्लांट के नीचे 3 पैड तैयार हो चुके हैं और एक ऊपर पैड और तैयार करना है मुझे। और दोस्तों, ये जो सकर्स एक्स्ट्रा जो निकल रहे हैं इनको भी मैं रिमूव कर देता हूं और एक ब्रांच आपको बीच में दिख रही है दोस्तों, इसे मैं रखने वाला हूँ। इसका भी मैं आगे एक पैड तैयार करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा इस पे भी वर्क कर लिया जाए। दोस्तों, तने के बिल्कुल पास में से जितनी भी ब्रांचें निकल रही हैं उनको कट कर दे। और सबसे पहले दोस्तों इसको आगे से हमें कट कर देना है ताकि जो साइड की ब्रांचें हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाए। तो मैं इसकी सबसे पहले आगे से कट करूँगा। दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कट कर दिया है। अभी जो साइड की ब्रांचें हैं वो बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी और चुनिंदा दिनों में दोस्तों यह पैड बनकर तैयार हो जाएगा। इस ब्रांच पे जितनी भी नई ग्रोथ है दोस्तों, 2 पत्ते छोड़ के उसके बाद आपको आगे से रिमूव कर देना है ताकि 2 की जगह 4 ब्रांच हमारी बने। इसके बाद दोस्तों, जो ऊपर की पैड है हमें उस पर थोड़ा वर्क करना है, उसे आगे से टोटल जितनी भी नई ग्रोथ है उन्हें सबको कट कर देना है ताकि वहाँ भी एक गोल घुमावदार छतरी नुमा हमारा पैड तैयार हो जाए। दोस्तों, इसके बाद मैं इसको लगभग 1 साल तक बिल्कुल भी प्रूनिंग नहीं करूंगा, ऐसे का ऐसा छोड़ने वाला हूं। और फर्टिलाइज़र की बात करें दोस्तों, मैं इसको हर 15 दिन बाद
एनपीके 19-19-19 या 18-18-18। 2 लीटर पानी में 1 चम्मच एनपीके मिक्स कर हर 15 दिन में 1 बार इसपे स्प्रे करनी है ताकि ये अपनी ग्रोथ डबल गति से करे। दोस्तों हमारा प्लांट रेडी हो चुका है, अभी 1 साल के बाद जब इसकी प्रूनिंग करूँगा तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ डिस्प्ले करूँगा। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये वही प्लांट है दोस्तों जिसको मैंने लगभग 8 से 9 महीने पहले प्रूनिंग की थी और उसका वीडियो आपने अभी स्टार्टिंग में देखा है। तो दोस्तों इसके ग्रोथ आप देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है और इसके जो रूट्स है उसकी भी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों इसकी रूट्स के लिए मैं स्पेशल एक लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ जिसका मैं लिंक ऊपर आई बटन में दे देता हूँ। और दोस्तों आज फिर मैं इसकी प्रूनिंग करने वाला हूँ। तो देखिए ये ब्रांचें जो पैड हमने तैयार किए थे उसमें से काफ़ी ब्रांचें बाहर निकल चुकी है और इन्हें आज मैं इस कैंची की सहायता से रिमूव वापस कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। दोस्तों इसको मैं एनपीके 19-19-19 या 18-18-18 हर 15 दिन में इसके ऊपर स्प्रे करता हूँ जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, जिसके कारण इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। और दोस्तों इस पे हम इस प्रूनिंग में कम से कम 3 या 4 ब्रांचें और बनाने वाले हैं और उनको हम वायरिंग भी करेंगे। ये देखिए दोस्तों मैं इसको कट कर रहा हूँ, हमारा एक पेड़ तैयार हो चुका है लगभग और उसके बाद मैं दूसरे पेड़ पे कार्य करूँगा। दोस्तों तरीका वही है जो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है। ये दूसरी ब्रांच है दोस्तों, इसको काफ़ी ज़्यादा लंबी लंबी टहनियाँ हो चुकी है तो सबको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों तरीका वही अपनाना है, हमारा जो पैड है उसको एकदम गोल करना है। इसको दोस्तों यहाँ हम नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे पैड में ज़्यादा पत्तियाँ आए। तो दोस्तों जो पिछले पैड हमने तैयार किए थे उनकी मैं प्रूनिंग फटाफट कर देता हूँ और उसके बाद जो नई ब्रांचें हम बनाएंगे उनकी डिटेल मैं आपको थोड़ी विस्तार में दूंगा। दोस्तों जिस ब्रांच की हम प्रूनिंग कर रहे हैं वो ब्रांच पिछले वीडियो में आपने देखी होगी, बिल्कुल पतली सी थी और इसका तना देखिए काफ़ी मोटा हो चुका है अभी। तो दोस्तों लगभग हमारी पुरानी ब्रांचों पे कार्य हो चुका है, अब हम नई ब्रांच बनाने जा रहे हैं। ये कुछ दिनों में दोस्तों एकदम गोल हो जाएगा और इसके एक आधे शेकर्स जो नए निकल रहे हैं उनको भी मैं हटा देता हूँ। दोस्तों एक ये ब्रांच नई निकली है और ये बिल्कुल इसके सामने जो शेप पुरानी ब्रांच की है वही शेप हमें इधर नज़र आ रही है। तो यहाँ हमने ऊपर 2 पैड बनाए हैं तो इसके ऊपर भी 2-3 ब्रांचें हैं तो 2 रखने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको वायरिंग कर दूँ। दोस्तों जो शेप पुरानी ब्रांच की है वही शेप मैं इसको देने वाला हूँ तो हमारे प्लांट का जो लुक है दोनों का एक जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी वायर यूज़ करें आप थिक वायर यूज़ करें, एल्युमिनियम की वायर यूज़ करें। वायरिंग करते समय विशेष ध्यान रहे जो हमारा प्लांट है उसमें कोई नुकसान न हो, कोई डैमेज न हो। तो दोस्तों वायरिंग हो चुकी है, इसके 3 ब्रांचें हैं और इस प्लांट के 2 ब्रांचें हैं तो इसकी एक ब्रांच मैं कट कर रहा हूँ। ये पीछे वाली है दोस्तों जिसका हमें कोई उपयोग नहीं करना है क्योंकि इसकी शेप थोड़ी अलग जा रही थी। तो ये इसके नीचे जो सकर्स निकल रहे हैं दोस्तों उन्हें मैं कट कर देता हूँ। ये कुछ दिन में दोस्तों लगभग 1 साल बाद बड़ा हमारा पैड इसमें तैयार हो जाएगा। ये दोस्तों एक नीचे से ब्रांच निकल रही है एकदम सीधी, तो इसकी साइड की जितनी भी ब्रांचें निकल रही है उन सबको मैं कट कर देता हूँ और इसको काफ़ी लंबा ले जाऊँगा ताकि ये ऊपर एक पैड और हमारा बन जाए। उसके बाद हमारे प्लांट का लुक दोस्तों बहुत ही शानदार हो जाएगा।
अभी ये टेढ़ी जा रही है, ये दोस्तों एक साइड में, इधर एक ब्रांच और आ रही है, तो इसका भी एक पैड हम बना सकते हैं। तो कम से कम 3 से 4 इंच तक जितने भी नीचे सकर्स निकल रहे हैं उन्हें हमें कट कर देना है। इस ब्रांच को इसलिए रख रहा हूं दोस्तों क्योंकि इसके पीछे भी ये देखिए एक और ब्रांच है सेम इसी स्थिति में, और जो अभी हमने नई ब्रांचें तैयार की है उसमें भी कोई ऐसी ब्रांच आएगी तो मैं उसको रख लूँगा। ये देखिए दोस्तों इसके जो नीचे के सकर्स है वो हमें हटा देने हैं ताकि दोनों ब्रांचों का लुक आमने सामने एक जैसा बन जाए। अभी इन ब्रांचों को दोस्तों वायरिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये ब्रांच काफ़ी ज़्यादा पतली है, कुछ दिन मैं इन्हें ओपन ही छोड़ने वाला हूँ, उसके बाद इस पर हम वायरिंग करेंगे। ये दोस्तों देखिए काफ़ी सकर्स नीचे भी निकल रहे हैं तो इन्हें भी हमें रिमूव कर देना है। चलिए मैं फटाफट इनको रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने का बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जेड प्लांट से संबंधित जो भी मैं अपडेट डालूं उसका लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इनकी रूट्स के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो तैयार किया है, एलोवेरा से फर्टिलाइज़र बनाएँ और अपनी इन प्लांटों को देकर इनकी जो रूट्स है उनको थिक करें, तो उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। और सेक्युलेंट प्लांट यानी जेड प्लांट की स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सेक्युलेंट संबंधित जितने भी मेरे वीडियो वो आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारा प्लांट्स काफ़ी खूबसूरत तैयार हो चुका है, तो मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद जल्दी, तब तक के लिए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।